आईटी नियमों में नए संशोधन प्रस्ताव को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की है। आईटी मिनिस्टर ने मंगलवार को एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया है। इसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फेक न्यूज के फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को इन्हें हटाने के आदेश देने की ताकत मिल जाएगी। एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि फेक न्यूज को हटाने जैसा फैसला अकेले सरकार के हाथों में नहीं होना चाहिए। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और सही आलोचना भी दब जाएगी। भारतीय पहलवान लगातार दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कोच भी सालों से महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने WFI से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। पीएम किसान योजना के लंबित हितग्राहियों के आधार आधारित EKYC NPCI आधार को बैंक खाते से लिंक एवं सीएम किसान सत्यापन के कार्यों के लिए 23, 24 एवं 25 जनवरी को जिले की सभी ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे पात्र हितग्राहियों को आगामी किस्त के भुगतान से वंचित नहीं होना पड़े। शिविर का संचालन हल्का पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक, CSC सेंटर प्रभारी द्वारा किया जाएगा। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की समिति की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि वे फ्री में ही उनके सभी सवालों के जवाब दे देंगे। बस इसके लिए समिति के सदस्यों को रायपुर में 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में पहुँचना होगा। उनके आने जाने का खर्च भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने देने को कहा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अगले महीने 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। महाकाल मंदिर के सबसे बड़े पर्व को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस बार प्रशासन का अनुमान है कि श्री महाकाल लोक के कारण करीब 10 लाख श्रद्धालु भगवान महाकालेश्वर के दर्शन को पहुंचेंगे, लिहाजा तैयारियां ज्यादा करना होगी। मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आज राहत मिल सकती है। 22 जनवरी से दूसरा वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। ऐसे में भोपाल समेत आधे मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में बारिश की संभावना है। बादल छिटते ही जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड की वापसी हो सकती है। इंदौर के भवरकुआ इलाके में कॉलेज की एक छात्रा से मिलने आए एक युवक को बजरंग दल ने जमकर पीट दिया। युवक पुणे से आया था। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि युवक इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर केवल हिंदू लड़कियों से ही दोस्ती एक्सेप्ट करता था और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लेता था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर भवरकुआ पुलिस को सौंप दिया है। शुभमन गिल की डबल सेंचुरी के दम पर टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 12 रनों से हरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से माइकल ब्रेसवेल ने 78 गेंदों पर 140 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत से मेजबान टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। इस फॉर्मेट में भारतीय टीम 4 साल बाद न्यूजीलैंड को हरा सकी है। हंसिका मोटवानी की ग्रैंड वेडिंग पर आधारित रियलिटी शो आने वाला है। शो का नाम लव शादी ड्रामा है, जिसमें हंसिका और सोहेल की शादी के खास पलों और ड्रामा को दिखाया जाएगा। बुधवार को हंसिका ने टीजर शेयर करते हुए खास अंदाज में शो की अनाउंसमेंट की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आतिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर KL राहुल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी 23 जनवरी को सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगले में होगी। सुनील शेट्टी का फार्म हाउस काफी आलीशान है, वहीं शादी को लेकर आतिया शेट्टी भी काफी उत्साहित नजर आ रही है।